आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अमित खन्ना, प्रियंका खन्ना, सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर पौत्र रियान खन्ना के मुंडन संस्कार पर यज्ञ वेदी पर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्म आचार्य एवं मुख्य वक्ता सुरेश शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पौडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अपने उपकारों की वर्षा कर रहे हो, संपूर्ण प्राणी मात्र की प्रत्येक कामनाओं को आप ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। प्राणी मात्र के लिए जो कुछ शुभ और हितकर है उसे आप बिना मांगे स्वयं सबकी झोली में डालते जाते हो। हे जगदीश्वर, इस यज्ञ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं की झोली सुखों से भर दीजिए। प्रभु, आपके अंचल में विचार शांति तथा आनंद का वास है। आपके चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, आप तो सर्वव्यापक हो, सर्वांतर्यामी हो, सबके अंतःकरण विद्यमान होकर सबकी मंगल मनोकामनाओं को जानने तथा पूर्ण करने वाले हो। हे जगदीश्वर,
आज इस पावन यज्ञ वेदी पर यजमान के रूप में खन्ना परिवार तथा अन्य सभी श्रद्धालु जन अपने जिन जिन मंगल कामनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं और अपनी पावन आहुतियां इस पवित्र यज्ञ कुंड में आहूत की हैं, प्रभु आप उन समस्त मंगल मनो श्री शास्त्री जी गुरुकुल करतारपुर से आए हुए हमारे विद्वान सोनू भारती जी सभी मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने आज इस खन्ना परिवार के संदर्भ में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र खन्ना जी सारे समाज के एक बहुत ही बड़े स्तंभ हैं। कोई भी निर्णय हो, कोई भी फैसला हो, इनकी अनुपस्थिति के बगैर वो काम, अगर अनुपस्थित है तो वो काम नहीं होगा। इनकी उपस्थिति बहुत ही जरूरी है और हमें बहुत खुशी है कि ये अपना फैसला जो भी है बहुत ही आर्य समाज की तरक्की के लिए और उन्नति के लिए देते हैं। यही इसकी एक मिसाल आज सामने है। इनके बेटे अमित खन्ना जो कि विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, पिछले 5-7 साल से वहीं पर थे और वो कुछ कोविड के कारणों के कारण पीछे 2-3 साल नहीं आ सके। आज मौका मिला है आदरणीय सुरेंद्र खन्ना जी के पौत्र रियान खन्ना के जो मुंडन हुए हैं उसके खुशी में हम सभी इस आर्य समाज में बैठे हैं। बहुत सौभाग्य विशेष ये है कि हमारे बीच में हमारे खन्ना परिवार जी जो हमारी आर्य समाज के उपाध्यक्ष हैं, हम इनके ही आशीर्वाद से ये सब काम कर रहे हैं। जो कुछ बड़े हैं हमारे, इन्होंने जिस प्रकार अपने बच्चों को पर संस्कार दिए हैं, क्योंकि ये परिवार पर्सनली मेरे परिवार के साथ पिछले करीब अगर मेरी आज आयु आज 67 68 है तो तब से हमारा इस परिवार का नाता है। बाल्यावस्था से हम पड़ोस में रहे तो ये सारा इनके पिताजी इनके दादाजी पूर्ण आर्य समाज में समर्पित थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके आज पौत्र का जो मुंडन संस्कार उन्होंने वैदिक विद्वानों के घर बुलाकर के किया, इनकी इच्छा थी कि यहाँ पर हम जो विशेष महायज्ञ है विशेष यहाँ पर करेंगे। सारे हमारे रिश्तेदार दोस्त मित्र यहाँ पर उपस्थित होंगे। भगवान वाल्मीकि सभा की ओर से भगवान वाल्मीकि मंदिर कोट मोहल्ला बस्ती शेख में महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकाश उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक कमल खान ने अपनी हाजिरी लगवाकर भगवान वाल्मीकि जी की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के बलकार सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान दविंदर गोला ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया। इस मौके पर कैशियर सुखदेव बत्रा, सुरेंद्र बत्रा, राजेश लूथर सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। जय वाल्मीकि सारे नूं, हर हर वाल्मीकि। मेरे देशा विदेशा च वीर बैठे हुए जिहड़े वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद है इस टाइम सारे प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हाँ कि अज साडे वीर सारे शोभा यात्रा नूं बहुत धूमधाम नाल मना रहे हैं। हर साल महाराज जी का इदा ही दिहाड़ा सारे मनाउण, तो सारिआं दे हत्थ कृपा वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद होवे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अज भगवान वाल्मीकि का प्रगट दिशा, इस करके मैं अपने जलंधर वासियों और देश प्रदेश बैठिया सारा भगवान वाल्मीकि प्रकाश की लख लख बज दिना और परमपिता परमात्मा अगे अरदास करता हाँ कि इदा ही सारे पब्लिक और देश वासियों चढ़ती कला च रखे और अपना आशीर्वाद रखन। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। बोले सो निर्वाह भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अज भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट उत्सव पूरे संसार दे विच बड़ी ही श्रद्धा दे नाल मनाया जा रहा है। अज का यह पवित्र दिहाड़ा जिथे सानू एक दूसरे दे नाल प्यार और सत्कार का संदेश दिंदा है, उत्थे ही भगवान वाल्मीकि जी दे हाथ च फड़ी हुई कलम सानू ये इशारा करती है कि असी सिक्ख्यत होइए, क्योंकि सिक्ख्यत हो के ही जो इस दुनिया दे विच वड्डे वड्डे काम कर सकते हैं। भगवान वाल्मीकि जी की कलम का जो इशारा सीगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने जदों उसनों समझ के कलम फड़ी तो उन्होंने लखां करोड़ां ही दलितों की
ऐसी जिंदगी जिहड़ी कि नरक नालों भी बदतर सी उन्हूं बदल के इंसानां दे रूप दे विच उन्हां नूं खड़े कर दिता। और अज उन्होंने अपनी कलम के सिर के उत्ते ही भारत का संविधान लिखिया जिस दे विच औरतां नूं भी हक मिले, दलितां नूं भी हक मिले और जिन्हें भी मजलूम से सारियां नूं हक मिले। हर एक नूं कानून के अनुसार जो है जिंदगी जीन का जो उन्होंने एक संदेश दिता है। सो अज मेरी सारे ही दुनिया के वसदे वाल्मीकि भाईचारे और जिन्हें भी साध संगत अज मोहला कोट के इस पवित्र दिहाड़े के उत्ते इकट्ठी हुई है, असी भगवान वाल्मीकि जी नूं अरदास करते हाँ कि संगतां दे उत्ते इदां ही अपना आशीर्वाद बनाए रखन और हर साल इस नालों भी वध तों वध जिहड़ा उत्साह दे और वध तों वध जिहड़ी है सानूं समर्था वरते ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਲਾ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਇਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮਨੀਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਹੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਆ
उन्होंने मुबारकबाद कि जिन्होंने एड्डा अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया बड़ी मेहनत करके। मैं महसूस करना कि ऐसे साथियों का ऐसे सहयोगियों का समाज में होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समाज में एक जगह पर इकट्ठे करना और जरा जिड़िया सही सेधा से तोड़ना भी बहुत वही गल होती है। सो प्रोग्राम बहुत वधिया तरीके मैनेज किया और प्रभु का नाँ ले रहे गुरु महाराज का नाँ ले रहे चढ़ती कला रहो तो परमात्मा अगर मैं यही अरदास करता कि भगवान वाल्मीकि महाराज जी सारे परिवारों से मेहर भरे हाथ बने रखना और सारे परिवार तक ही जागता रहन। धन्यवाद जी। भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी की ओर से मोहल्ला निवासियों के सहयोग से 16 लिंक रोड मॉडल टाउन वाल्मीकि नगर मंदिर जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सुशोभित कर रोशनी की गई। इस मौके पर अमित सब्रवाल, विशाल गिल, विकी पाल पदम, इंद्रजीत सिंह, मोहित जोली, दमन कल्याण, राहुल लुबाना, अरमान ठाकुर, हरप्रीत सिंह, किशन बाली, बब्बल गिल, विश्व बाहरी, विष्णु मट्टू, अभी सब्रवाल, लव मट्टू, अमित मट्टू, लकी मनाली ने विशेष रूप से उपस्थित होकर समूह संगत को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधान बॉबी सोंधी, चेयरमैन अजय थापर, जनरल सेक्रेटरी विक्रम भंडारी, कोषाध्यक्ष रतनलाल हीरा, चौधरी जगन्नाथ सहित सेवादार नवजोश सोंधी, मनकुश सोंधी, अंकुश थापर, हेमंत, ऋतिक सोंधी, ईशु सरवटे ने भी अपनी हाजिरी लगाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। पार्षद कृपाल सिंह बूटी के छोटे सुपुत्र और अमित सिंह संधा के छोटे भाई सुमित सिंह शमी गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ का भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह नानक दरबार बस्ती बाबा खेल में संपन्न हुई। आए हुए कीर्तनी रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय सरदार सुमित सिंह शमी की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, मोहिंदर भगत, राजीव ढिंगरा, रोमी सिंह, प्रदीप खुल्लर, हिमांशु शर्मा, विनीत धीर, श्वेता धीर, शोभा भगत, सनी अंगुरवाल, सौरभ सेठ, कविता सेठ, हरजिंदर सिंह लाडा, अतिम लुद्रा, गुरदेव सिंह, गोल्डी भाटिया, प्रीतम सिंह अरोड़ा सहित परिवार के सदस्यों में पूर्व पार्षद कृपाल सिंह बूटी, अमित सिंह संधा, चंद्रजीत कौर संधा, एडवोकेट अजय पाल सिंह, बलदेव सिंह, महेंद्र सिंह सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुमित सिंह शमी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ਸਾਡੇ
बहुत ही सम्मानयोग मेरे प्यारे जी कृपाल सिंह मोदी जी और वाहगुरु जी हजूरी के बैठे अज जो अमर सरदार जी और उन्होंने दुख साझे करना है जो आप वाहगुरु जी हजूरी बैठ के जो उन्होंने दुख साझे करना है वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। इस परिवार कृपाल सिंह जी ने भी बहुत सा प्यार लिया। मैं सरदार सुमत कोई छोटा बच्चा सी रब बहुत ही इस परिवार के बैठे हैं और मैं यही परमात्मा अगर बेनती करागा इस निर्माणी रूह को अपने चरणों के विच निवास देना। श्री गुरु गोबिंद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के विच अपने अंतिम श्रद्धांजलि श्री के गुरु देवता के साथ वाहेगुरु जी का वाहेगुरु इंसान के ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਤੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸੰਧਾ ਜੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ श्रीमती कैलाश देवी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया श्री पंचवटी मंदिर गौशाला बस्ती गुजा जालंधर में संपन्न हुई। इस अवसर पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय श्रीमती कैलाश देवी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर परिवार के सदस्यों में संदीप, राधिका, अंजू, देविंदर अरोड़ा, रेनू, आशीष मागो, प्रवीण, तजेंद्र अरोड़ा सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती कैलाश देवी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ओ हंस बनाया बोल रही सी नैया मेरी, बोल रही सी नैया मेरी, उत्तों रात हनेरी, तन नी सहियो सतगुरु मेरे, तन नी सहियो सतगुरु मेरे, जिस बाह पकड़ ली मेरी, जिस बाह पकड़ ली मेरी, वारी जवा मैं उना चरणा तो, वारी जवा मैं उना चरणा तो, जिन्ना नीमे ना भाई, मैं नीवी मेरा सतगुर उच्चा, मैं नीवी मेरा सतगुर उच्चा, उच्चया नाल मैं लाई, क्योंकि मैं समझदा मैं देविंदर अरोड़ा जी नूं बहुत छोटे हुंदे तो जानदा कि बचपन तो ही असीं वड्डे भाजी कह के इन्हां नूं बुलाउंदे सी, ते जिस तरह का इन्हां दा मैं जीवन हुण तक देखिया, मैं श्रीमती कैलाश देवी जी नूं मिलिया तां नहीं मैं कदी, पर मैं देविंदर अरोड़ा जी और अपनी वड्डी भैन दे घर जदों भी जांदा ते जो इन्हां तों सिखण नूं मिलिया कि इन्हां दे माता पिता ने इन्हां नूं बहुत वड्डे वधिया तरीके नाल ते उच्चे संस्कार दित्ते हन, कि हमेशा ही जिथे भी किसे नूं लोड़ हुंदी सी ये अपने आप नूं उत्थे खड़ा करके और उन्हां दा काम करवाउणा, उन्हां नाल दुख वंडाउणा और खुशी दे विच शामिल होना, ये देविंदर अरोड़ा जी ते उन्हां दे परिवार दे विच ये शुरू तो ही उन्हां दे माता पिता ने संस्कार के रूप में उन्होंने दिता है। और मैं समझदा श्रीमती कैलाश देवी जी इस दुनिया में नहीं रहे, असी उस अकाल पुरख वाहगुरु के चरणों च अरदास करते हैं कि उन्होंने अपने चरणों में निवास देन और पिछे परिवार को भाणा मनन का बल बख्शन। तो श्रीमती कैलाश देवी जी जो इन्हों अपने आशीर्वाद सदका जो काम कर दस के गए हैं उन्हां कामां नूं अगे वधाते हुए इस तरह ही समाज के विचरते रहन। मैं समुची प्रबंधक कमेटी, गौशाला प्रबंधक कमेटी जो हमेशा ही समाज के चंगे कामां नूं अगे लिआउंदी है और हर लोड़वंद की मदद करती है, और उस दे विच देविंदर अरोड़ा जी मीत प्रधान ने और बहुत वड्डी सेवा पिछले कई सालों तो गौशाला प्रबंधक कमेटी पंचवटी मंदिर कर रही है, और परमात्मा इन्हें सारी कमेटी के मैंबर के आशीर्वाद बना के रखन, और इस तरह ही होरबंदा की गरीबा की यह सेवा करते रह। मैं श्री गौशाला कमेटी विराजमान
सारे मेरे वीर भैन सूह संगत अज असी अपने माता जी श्रीमती कैलाश देवी जी की अंतिम अरदास शामिल होना है। असी उन्होंने परिवार के नाल दुख साझा करना आया, दुख मना आया। सारे परिवार ने माता जी की बहुत ही सेवा की, मैं समझदा इन्हों के दिमाग मेरे छोटे भीर दविंदर अरोड़ा जी असं उन्होंने मैं समझदा कॉलेज लैवल तो आप जानते हैं हरबंस नगर के डॉक्टर कुमार क्लीनिक अक्सर अच्छे बैठते हैं, बहुत ही अच्छे नेक इंसान। सर संगत जी हर चीज इस दुनिया के मिल जाती है, हर चीज का तोड़ है, लेकिन मैं समझदा कि दुनिया के किसी चीज का सब्सिट्यूट नहीं मिलता तो वह सिर्फ माता है। फादर ते पिता अपना संघर्ष करता है, परिवार तो बाहर जाता है, दिन रात एक करके परिवार के वास्ते लाइवलीहुड का इंतजाम करता है, लेकिन माता साक्षात देवी का रूप है, यह सब्सटीट्यूट संसार के नहीं बनता। ईवन हसबेंड भी अगर कोई चीज़ चाहिए हो ना, चाहे वह घर का मालिक है, घर के रहा है, वह कितना कितने अपने धर्म पत्नी भी पूछता है। अगर बच्चे भी कोई चीज़ मैं समझता चाहिए है, अज की डेट से भी आप 57 साल के हो गए तो साड़ी माता जी घर बैठे उन्होंने हर चीज़ का पता होता है, सूँ नहीं पता होता। सो ये देवी रूपी श्रीमत स्वर्गीय श्री कैलाश देवी जी के चरणों के अच्छ अस सारे इकट्ठे हुए। मैं प्रभु श्री राम जी के चरणों के अरदास करता कि बिछड़ी रूह में अपने चरणों के निवास दें और परिवार को अथाह शक्ति और बल दें कि रूप बाहर सह सकन। इनिया मेहनत करता रहा खिमा का याचक। धार्मिक प्रवृत्ति वाले तथा जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले सुधीर पुरी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। स्वर्गीय सुधीर पुरी की आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म पगड़ी और शोक सभा श्री सत्यनारायण मंदिर नजदीक एसटी कॉलेज मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय सुधीर पुरी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पारिवारिक सदस्यों में राजीव पुरी, चेतन पायल, शालिनी अश्वनी, शिवानी अरविंद, टीना गोपेश और श्री दुर्गा मंदिर बगीची पुरिया अजीत नगर के सदस्यों सहित धार्मिक राजनीतिक सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुधीर पुरी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। Thank you.
इंसान का की भाग्य होगा। ये सारिया चीजा जन्म तो पहला नहीं सीखिया, लेकिन कुछ इंसान अपने कर्मा राही, अपने सुभा राही, अपनी औलाद राही इतने छापा छड़ जाते हैं जेडे कि भलाए दे भुल गया। साढ़े विचों एक बहुत ही नेक धार्मिक दानिशमंद और कर्मयोगी इंसान सुदीपपुरी साहब चले गए हैं, लेकिन उन्होंने किते काम सानू हमेशा याद दिलाएंगे। मेरा पुरी साहब के नाल बचपन का संबंध है। मेरे बड़े भरा सीगे और मैनू बहुत ही प्यार करते सी। मैं पहला इलेक्शन 2002 च लड़िया कॉरपोरेशन का, तो मैं पुरी साहब का आशीर्वाद मिलिया। 2007 दे विच मैं MLA लड़िया तो पुरी साहब ने मैं आशीर्वाद दिता और मेरे मान करते जिदा कि अपना बच्चा समझ के मैं गाइड भी करते, कभी कोई राय भी करते। लेकिन मैं जिदा देखा पुरी साहब को एक नेक दिल इंसान से जिदा दोस्ती है खड़े रहे हैं। पिछे मुड़ के नहीं देखा चिंतपुर्णी मंदिर के विक्रमपुरा के मां चिंतपुर्णी के महान उपासक से उन्होंने रूटीन सी कि शाम को उन्होंने चिंतपुर्णी मंदिर आके मत्था टेकने के पाठक साहब बैठे है। जगदीश चंद्र गत दिवस अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। स्वर्गीय जगदीश चंद्र पुरी की आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म पगड़ी और शोक सभा श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हाल जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय जगदीश चंद्र की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर राजेश कपूर, राकेश कपूर, ऋषभ कपूर, वैभव कपूर और पारिवारिक सदस्यों में राजेश मागो, साक्षी मागो, पीयूष गोयल, ममता गोयल, सुमित कुमार, गरिमा कुमार, सोनिया वर्मा, कपिल वर्मा, अनिता अरोड़ा, डोली चोपड़ा, नरेश चोपड़ा, दीपक मागो, नमिता मागो, डॉक्टर रीटा वाही, डॉक्टर मनोज वाही, क्षमा ठुकराल, विजय ठुकराल, रजनी कुमार सहित धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय जगदीश चंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। राम नाम है सत्य, यही शब्द कहती है ना, जबकि गुरबाणी में रोज शब्द पढ़नी है आज सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच मरना ही सच। ला जी संस्कार कर दिता बेटा, पहले दिन 5 मिनट अग्नि देवता प्लान मास्टर, 4 मिनट चौथे वाले दिन अर्थ बलियां आप गर्भपुरा की कथा, अजकल दूजे दिन ही क्रिया करी है, तीजे दिन कुछ स्नातन का प्रमाण थोड़ा है। बच्चे ने इको गल कही कि पंडित जी मैं पूरे दिन नंद परिवार बैठा पूरे दिन, जब तक बने बच्चे प्राणी की शरीर ही नहीं बनेगा अंगा में अंग नहीं मिलेंगे तो पितरियों की पंक्ति में जाके सम्मिलित उठ जाग मुसाफिरे चले उठे चलिए मंजल तेरी दूर के चलना जरूर वे के चलना मुसाफिरे रात ना कट दे ते दिन दा की कसूर के चलना जरूर वे के चलना जरूर वे।
ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੋਨੇ ਓਏ ਸਿਆਨਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਆਨਿਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ अरबांत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने जुए का कारोबार करने वाले 21 लोगों को किया गिरफ्तार। 41,76,000 रुपए की रकम, 156 ताश के पत्ते और कैश गिनने की मशीन की बरामद। अंधर के जिमखाना में 29वीं मदन मोहन नाइट का किया गया आयोजन। एडीजीपी एमएफ फारूकी और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने की शिरकत। भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर में महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर करवाए गए रोशनी कार्यक्रम में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने दी बधाई। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।